तुम्हारे भी इम्तिहाज जोड़ गए कि 24 का चुनाव जितने खातर भी क्वालिफाई कर दो। माम नौकरी नहीं मांग रहे, जैसे पेपर में बैठ जाएंगे, पेपर में बैठ जाएंगे माम साथी सारे। 3,06,000 यू हैं थोड़े को नहीं माम, तो ठोकरे खा खा के बाढ़ बाहर भाजने लग गए जमीन बेच बेच का। सोच रहे होगा 3.5 बीजी 2010 में उसका ना एक नंबर फालतू आया क्लियर करने में, लेकिन मेन्स में नहीं सर जी, वो हरियाणा की और इंडिया की टॉप पर रही थी 3.5 बी, जो कि पहली वो आई थी दलित में से थे, और कल एक लड़की और आई है भाई, ये यार सीटी है और 5 साल की दर्दी है, और 5वीं साल काटांगे और उसमें भी मारी मनमानी चलावांगे सीटी में भाई, एक जोड़ा कोमन बर्तियाँ का सारा, और इसी में सारा होता है क्या। पहला न्यू था कम दम पेपर तो हुए थे बड़ा माना तो मिलता कौन था, नहीं मिलता यू कड़ा बहमा पै रहे हो, कुत्ता पढ़ो बिल्ली पढ़ो बहम ना पढ़ो या बीजेपी या हिंदी, पहलवान नहीं छोड़े, किसान नहीं छोड़े, जवान नहीं छोड़े, युवा नहीं छोड़े, अरे चुनाव आ रहे हैं और कर्नाटक में नाटक तो चल रहा को नहीं, और के था हाथ में 2,000 का नोट बंद करना, ताकि विपक्ष पार्टी नहीं है बड़े नोट दाइवरी होगी, क्योंकि एक नोट दा बने एक 20 नोट दा बने फर्क है जी। ये बहुत मास्टरमाइंड आदमी है मोदी, तो एक तारा है इंडियन दौर को गमा रहा है। 24 में जैसे किसान आंदोलन में इनका काम कराया था ना, कि इन्हों घुसने नहीं दिया था गांव में, यही काम अब युवा करेगा, सियाणा हो चुका है युवा, 5 साल बाद देखती यू टाइम आ लिया है इनका। 2024 में जैसे किसानों ने घुसने नहीं दिए ये बीजेपी वाले, तो हम भी जेजेपी और बीजेपी किसी को वहाँ पे गांव में घुसने नहीं देंगे, अगर सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट की सुनो पुकार, सीटी क्वालिफाई करो सरकार, नहीं तो 2024 में यमुना पार, युवाओं की सुने पुकार, सीटी क्वालिफाई करो सरकार, नहीं तो 2024 में यमुना पार। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा में फिलहाल आप हाँ, और एक सर्वजात सम्मान समारोह यानी एक कैश का एक बड़ी महापंचायत खटखट टोल प्लाजा बोई, और महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक जम्मू कश्मीर तक पूर्व में जो रहे वो भी आए हैं, विनेश फोगाट बजरंग पुनिया वो भी पहुँचे। पहला बालक ने सोचा दिया एग्जाम क्लियर हो गया ले भाई, इंटरव्यू रह गया नौकरी मिल जाएंगे, लेकिन उस तो पहला ने कहा करे नहीं भाई, कड़िया एंट्री करने से पहला एक आई कार्ड की जरूरत हो गई, उस सीटी सा सौदा बना दिया कि मतलब एग्जाम देने खातर सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और फिर कोई यू रद्द हो गए, कोई आंदे नहीं कोई जाते नहीं, मतलब इतने बालक कन्फ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रही पढ़ा अक छोड़ा कतोड़ जावा कतोड़ नहीं परेशान तो है सर जी। 4 साल में भर्ती आई हैं, हिंदी बोलिया है ग्राम सेवक की, पहला कॉमन कैंसिल हो दो तीन मारी जाओ, 15 साल लिया ग्राम सेवक, इफ सीटी में कॉमन में ले लिया हिंदी सारी भर्ती, एक को टेस्ट में ले ली, फिर बोले कॉमन परीक्षा आया ना कि कोई भाई मेरिट बेस परीक्षा, फिर यू 40-50 की एक कंडीशन रखी हाँ, 40-50 की एक कंडीशन रखी हिंदी कि 40-50 पे जो 50 पे जनरल लगा और 40 पे अदर कैटेगरी है क्वालिफाई है, वो माम क्वालिफाई भी कर गए। इमाम न्यू कहाँ जी जो 3,06,000 बालक ना फार्म भरया कल आई है न्यू जिया, 3,06,000 बालक न्यू चाहवा जो भी पेपर माना जो पर 30 नंबर भरे हैं ईब फार्म सबके लिए मानना एक मौका दे दो, 4 साल हो गए जी भर्ती को नहीं आई, सुखा बढ़ रहा माम बड़े बड़े 25-25 उम्र हो लिया, रहना पुलिस तो मैं रोज हो लिया जी, हरियाणा पुलिस में जाटा छोड़ रहा हूँ 25 साल तो ऊपर हो लिया, वो तो फार्म का 100 मन 90 ले लिया मैं भर हो सकता, इन बताओ जी एक मौका मांगा, क्योंकि सी ग्रुप की भर्ती ही भाई है 19 का बाद अब 23 आ गया, अरे जी माना मौका नहीं मिलेगा पास कर रहे हम, मारा न्यू लिखा हुआ क्वालिफाइड ना कि 8.5 लाख में था 5.5 लाख तो वह बैर हो रहे हैं 6 लाख बल्कि में 6 लाख और बाकी 3 लाख हैं उनका पेपर नहीं ले रहे हैं। जब आप लोग आना जींद उपचुनाव में आनन फानन में जींद में कमल खिलान खातर एकदम ना 18,000 बढ़ के एकदम रिजल्ट दे दिया चुनाव था पहले, और जींद जीत गए तुम्हारे भी इम्तिहाज जोड़ गए कि 24 का चुनाव जितने खातर भी क्वालिफाई कर दो। माम नौकरी नहीं मांग रहे, जैसे पेपर में बैठ जाएंगे, पेपर में बैठ जाएंगे माम साथी सारे, 3,06,000 यू हैं थोड़े को नहीं माम, तो ठोकरे खा खा के बाढ़ बाहर भाजने लग गए जमीन बेच बेच का, क्यों मारा हाल देख रहे हैं हरियाणा का, देख रहे हैं ना तो किसान ना जवान और ना युवा ना पहलवान, सबकी विरोधी हो लिया तो कहाँ तक वोटा जी। माम देखो जी कैथल का सोनीपत का यो भाई आ रहा, सोनीपत का यो है यो हिसार से आ रहा, यो भाई पंचकूला से है, बहुत दूर दूर से साथी आए हमारे बहुत आ रहे, हम कभी कह रहे सर आपने देखे गए स्टेज पर, तो 200 साथी आए बाढ़ तोड़ा लगा के आ रहे हैं हम। माम सिर्फ न्यू मांगा मैंने पेपर में बैठने दो, पेपर में बैठने दो, मैं न्यू नहीं करना मैंने रोजगार मिला हुआ, लेकिन 3,06,000 बड़ा कम ऐसा बालक होगा जो उस टाइम 50-60 ले गया इस टाइम 80 का लगभग पहुँच रहे होगा, 3.5 बीजी 2010 में उसका ना एक नंबर फालतू आया क्लियर करने में, लेकिन मेन्स में नहीं सर जी, वो हरियाणा की और इंडिया की टॉप पर रही थी 3.5 बी, जो कि पहली वो आई थी दलित में से थे, और कल एक लड़की और आई है, तो इस तरह कल सर परसों SCS का पेपर होया, मैं एक बात बताऊंगा आपने 32 क्वेश्चन रिपीट मारे ठहगा पीछे लागे, ये जो सेटिंग कर रहे हैं जी, ये जो से बालक मारे हाथ जोड़ गया देख, जो बालक ने कहा नहीं आ भी रहे मेरे भाई ने मेहनत करी है डेडिकेटेड बालक 72-75 ले लिया, चल मारा की स्कोर नहीं आया लड़का ने कि तसली है 4 गुणा मैं कह आ रही है किसी ने भाई लैंड रिकॉर्ड का पेपर है
राजस्थान का वो पेपर आ जाएगा ज्यो का त्यों 70 क्वेश्चन रिपीट मारा नहीं ठाक है ला भाई टैक्सेशन इंस्पेक्टर का फलाना महाराष्ट्र में होया था वो पढ़ लियो न्यू का न्यू ई के तसल्ली रखा न्यू कर दे वो भी रोएंगे ई न्यू है 3 लाख छा बैठ गए नहीं इनमें तो कुछ बार ऐसे है जो लाइब्रेरी में पढ़े इस टाइम भी मम तो है फील्ड में वो पढ़ रहे हैं वह बालक मैंने दुआ दूर देंगे भाई हाँ भाई फलाने भाई आवाज उठाई थी आज रहना मत है और आज उसकी वजह से इस पोस्ट पर बैठे हूँ। जब तक UCET का मामला आया है सारे तो बालक परेशान सारे युवा परेशान मतलब लगातार सवाल उठाने लग रहे सरकार पर भाई इसकी जरूरत के थी आपने अलग जरूरत ना कोई जरूरत नहीं बेरा गया जी एक साल में एक दो पेपर हो जाएगा कोई नर्सिंग का ANM GNM का कोई ITI का इलेक्ट्रिशियन का एक आधा पेपर हो जाएगा 500-700 बालक साल गला लगने लग रहे 700,000-2,000 न्यू था भाई पेपर होते रहते चलता रहता सिस्टम ईब तो नहीं है खाते बंद है CET एक को बना दिया इनती पर लगे सड़क उतर देगा दे बालक भाई भर्ती ले लो ये विनती के काम एक कोई जोड़ रहा नहीं है एक को मैं टैंग दिया भाई ये यार CET है और 5 साल की दर दिया और 5वीं साल काटांगे और उसमें बीमारी मनमानी चलावेंगे CET में भाई एक जोड़ा को मन भर्ती आगा सारा और इसी में सारा होता है गया पहला न्यू था कम दम पेपर तो थे बड़ा कोई था इब न्यू था जिसमें 3,06,000 बड़ा काम है जो ITI कर रहा है जिस तरह मैं तो जी MA पॉलिटिकल साइंस था हूँ जो मैं तो नहीं पढ़ सकता ITI का ना मैं BTech होल्डर JEE सिविल खातर मैं तो वैसे ही बैर हूँ वो फॉर्म मेरे अप्लाई नहीं हुए तो दिक्कत के है हाँ अलग हुआ बच्चे मार ला में आ जाएंगे क्योंकि उनकी डिग्री मान्य है वो अभी नहीं पेपर दे तुम पढ़ रहे हो या तुम 6 दे 10 दे 20 दे दम है तुम पहला दम पर तो ऊपर बन गई बन जाओ कई दिक्कत है चढ़का ना क्या जे मेरे भाई मैं तो कहूँ माना तो मिलता कौन ताना भी नहीं मिलता यूगड़ा बहमा पै रहे हो कुत्ता पढ़ो बिल्ली पढ़ो बहमा पढ़ो या BJP या हिंदी पहलवान नहीं छोड़े किसान नहीं छोड़े जवान नहीं छोड़े युवा नहीं छोड़े और फिर जी मर पद एक को है वोट की चोट 2024 में मां सीरा तड़का जाएंगे देखो जी एक चीज़ हो रहा है 90 सीटा विधानसभा की 90 में 40 लेके आए बहुमत है मतलब ये सत्ता में आ जाएंगे 40 आवेंगे 10 में अंग्रेज JEE बता ये जो सरकार बनाया गई मैं 100 मतलब 50 नंबर लेगा मैं नहीं बैठ सकता क्या था जी मैं इंप्रूव नहीं कर सकता कोई सरकार है 90 में 40 आई BJP की अगर इंप्रूवमेंट कर दी सैट आंधी बढ़िया काम करते जानती इन मैं 50 स्कोर ले लिया उस टाइम मेरा किसी आनंद फार्मा स्कोर नहीं आया 40 स्कोर आ गया पास तो कर रहा हूँ मैं चाहे 40 हो 40 हो 42 हो अगले 6 महीने में केवरा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं 40 तक केवरा 60-70-80 पहुँच रहा हूँ और केवरा मेरी पोस्ट में जाकर है और मैं सिलेक्शन ले जाऊँ या बहुत बड़ा कहने कहते हैं फिर यहाँ कैंसल गैंग बहुत चीज़ नेगेटिविटी आवाज आप लोग कब कर रहे हो क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी का मिले था जाम भी वायरल हो रही है भाई कैंसल गैंग का भर्ती नहीं होने देने यार भर्ती तो यही होने चाहते मामने एक मांग करा जो तरह मदम होनी चुके टॉपर है 31,000 भर्ती नहीं सीधी जो सारी पेपर हो लिया नहीं सीधे उस पर सिलेक्शन ले लो दूसरे पेपर ले हो ना सरकार का खर्चा बचागा पर्चा बचागा अरे 1 महीना भी तो लैग जो सैलरी मिल जाएगी उनकी हो रहे हैं 5,500 2,500 लागे कोर्ट कार्ड ने भी दे दिया छोरी हैं 1,100 फीमेल कॉन्स्टेबल घर आ पढ़िए 2 साल वो लड्डू मिलना है कोई सैलरी नहीं और के नाम लेकर आनी है वो बेचारी आवा है खट्टे दिन सुवादा में एक लड़की आई थी हाँ बेटा नुका रोजगार दिया ना तब बिना पर्ची खर्ची दिया नुका दिया तो है मन है सैलरी तक नहीं ज्वाइनिंग तक नहीं के फुका उसकी माँ बाप गाय घोषणा गाया जब पढ़ा पास के बना उसका 4 साल हो गए जी इनकी ना तो रोजगार दिया क्योंकि सैलरी बचा रहे हैं कौन सा सरकारी महकमा में इनकी नौकरी दे दी खत्म हो कौन लग रहे हैं खत्म हो आपने भी रहा है BSNL ने कर दी एक न्यू था इनकमिंग आउटगोइंग फ्री जियो लेगा ब्लियो दी बोले दी जी कह जी 2009 चालू जी बंद क्यों परली विपक्ष पार्टी पर हो गया ब्लैक मनी जी तो बंद कर दो भाई 1,000 का बड़ा नोट क्योंकि लोगों का बड़े नोट अंदर आए हैं अरे चुनाव आ रहे हैं अरे कर्नाटक में नाटक तो चल रहा को नहीं और के था हाथ में 2,000 का नोट बंद करना ताकि विपक्ष पार्टी नहीं है बड़े नोट लाइब्रेरी होगी क्योंकि एक नोट दा बने एक 20 नोट दा बने फर्क है जी ये बहुत मास्टर माइंड आदमी है मोदी तो एक तारा है इंडिया अंदर कोई गमा रहा है चलो भाई नुगागर नहीं फिर छोरों में जोश भी पूरा आ रहा है यो भी पूरा तुम अठारे अपना के नाम भाई रविंद्र मलिक है भाई साहब मेरा नाम हिसार जिला तो भाई हाँ भाई देखो हमारी सिर्फ यह मांग है भाई कि हम पास हो रहे हैं हमने सिर्फ मौका मिलना चाहिए पेपर में बैठने का हम नौकरी नहीं मांग रहे हम मतलब पास हो रहे हैं हम पढ़ के पास हो रहे हैं सरकार ने हम पढ़े लिखे अनपढ़ बना दिए कि यानी कि फेल कर दिए पास होने के बाद भी फेल कर दिए हमारे सर्टिफिकेट दे दिए क्वालिफाई का हाथ में पकड़ा दिया तुम क्वालिफाई हो लेकिन क्वालिफाई का करा के अब पेपर में बैठ नहीं सकते हम खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि है ना 60 वाला 80 नंबर नहीं बना सकता मैं उनको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आपका इतना लंबा इतना फास्ट प्रोसीजर तो है नहीं कि आज परी लिया 10 दिन बाद 6 मेंस ले लिया 6-6-7-7 साल में आप मेंस ले हो साल में तो एक जीरो लेवल का बच्चा भी वो भी टॉप कर दे है टीना डाबी का एग्जाम्पल जी इस भाई ने दिया टीना डाबी का सिर्फ पासिंग मार्क्स थे 93 मार्क्स थे सिर्फ पासिंग मार्क्स थे वो रैंक 1 लेके आई टॉप IAS बनी वो क्या क्या हरियाणा में और नहीं है ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता जो पास हो रहा है वो पढ़ के पास हो रहा है सारी गड़बड़ है खड़े सारी गड़बड़ ये है 6 महीने हो गए हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं हमारी कोई किसी कोई सुनाई नहीं कर रहा ठीक है
तो हम इनकी नहीं करेंगे, टाइम आ रहा है इनका भी 2024 में, जैसे किसान आंदोलन में इनका काम कराया था ना कि इन्होंने घुसने नहीं दिया था गांव में, यही काम अब युवा करेगा, सियाणा हो चुका है युवा, 5 साल बाद देख दी यू टाइम आ लिया है इनका। 2024 में जैसे किसानों ने घुसने नहीं दिए ये बीजेपी वाले, तो हम भी जेजेपी और बीजेपी किसी को वहाँ पे गांव में घुसने नहीं देंगे, अगर सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं। अपना नाम भाई? मेरा नाम अजय है, मैं गांव जखुवाड़ा जिला कुरुक्षेत्र से हूँ सर मैं, और यहाँ हम सीटी के मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं सभी लोग कि पहले इन्होंने 3,57,000 को क्वालिफाई कर दिया था और 40% की मान्यता दी थी जो कि हमें उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। तो सर अभी इनको यह कहना है कि ये 4 गुणों को बुलाएंगे जिसमें ये क्या है टॉपर बालक ही रिपीट होते रहेंगे सर, ठीक है। और हम सर 4 साल हो गए हमें तैयारी करते हो गए, हमारे घर के भी न्यू बोले माता पिता भी कि हम 4 साल हो किताबा बड़े कि पल्ला तो कुछ भी नहीं धरपा, तो सर ये मतलब कि हम दिहाड़ी मजदूरी में खुद दिहाड़ी मजदूरी करूँ सर मैं खुद कि दिहाड़ी मजदूरी करके पहले पढ़ते हैं अब 4 साल हो गए, फिर हम इनकी अपना खर्चा भी है, लाइब्रेरी का खर्चा है, किताबों का खर्चा है, पहले कोचिंग ली सर कोचिंग का खर्चा है, हम कब तक पढ़ाए सर, हमारे माँ बाप भी कब तक पढ़ाएंगे सर हमको, हैं वो भी बोझ मानने लग गया अब तो हमें कि आपकी 26-27 सही एज हो चुकी है, और हम भी क्या करें सर 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं है इधर, 2014 से लेकर 19 तक इन्होंने भर्ती की कोई एक भी चांस नहीं मिला सर, एक हरियाणा पुलिस का मिला था सर वो उसी में मतलब कि इन्होंने पेपर को ऐसा बना दिया कि उनका कोई सिलेबस नहीं था सर जी, और फिर इनका कोई मतलब कि सिलेबस नहीं है जैसे SSC का पैटर्न होता है, इनका कोई पैटर्न नहीं है सर जी। तो हमारी यही मांग है कि CET को क्वालिफाई किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, CET क्वालिफाई नहीं तो वोट नहीं सर। चलो भाई सर एक बात बोलना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम पे है ना 5,000 साथी जुड़े हैं, CET क्वालिफाई ओनली ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, 5,000 साथी हैं उसमें, पता क्या बहन बेटियां भी है हमारी, तो उससे मेरी आया जहाँ तक वीडियो पहुँचे CET क्वालिफाई ओनली टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करें, हमारे 2 साथी हैं 3,06,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हम भी घर से किराया वगैरह ला के आए हैं, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करो क्योंकि बहन बेटियाँ बोलती हैं हम आ तो सकते नहीं लेकिन पैसा हम दे सकते हैं, तो उस पर जुड़े हैं आप, हमारी फाइनेंशियली हेल्प करें क्योंकि गरीब हम भी हैं, जहाँ तक होंगे हम अपने प्रयासों पर पूरा अड़े रहेंगे और जहाँ तक होगा हम क्वालिफाई करवा के ही मानेंगे क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो 2024 में खट्टर साहब नहीं है JGP की तरह 10 सीट भी नहीं आने जाएंगे। चलो भाई युवा थे और इन अपना दर्द बताया और ये भी मतलब का अगर नहीं गर्मी में परेशान होकर अपनी परेशानी रखने लग रहे हैं, आपका के कुछ मानना है ये आपके सोच विचार के हैं, यानी ये जो बोर्ड ये जो तक 3 भाइयों ने उठाई है इनमें आपका के कुछ मानना है उसमें आपने अपने विचार जरूर रखने हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। जय जवान जय किसान। भाई मैं ये कहना चाहूँ जब सरकार ने वैकेंसी निकाल ली ना 50% पे निकाल ली थी, वो 50% बच्चों ने पेपर पास कर लिया, अब ये सरकार ये कहवा हम 4 गुना बुलावांगे, 4 गुना में तो फिर ये गलत हो गया, नहीं नोटिफिकेशन तो 50 का कर दिया अब ये 4 गुने बुलावा है, इसमें कोई है तो कुछ ना कुछ सरकार की मशा गलत है सही है, ये गलत है जी, इसकी 50% बच्चों ने बुलाओ और उनका पेपर ले, ठीक है ना, गलत है।